चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मोर देन टाइप हमको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में मोर देन टाइप डेटा है। इस मोर देन टाइप डेटा में हमें मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जीरो से अबव, जीरो से मोर, कितने बच्चों के मार्क्स आ रखे हैं? 50 बच्चों के मार्क्स आ रखे है ना। एंड 10 से अबव 46 बच्चों के मार्क्स आए हैं। इस प्रकार का ये डेटा हमको दिया हुआ है। हमने इस डेटा का मीडियन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? हमने इसका मीडियन निकालना है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डेटा को सही फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। ठीक है, सही फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। पहले हम सीआई तैयार करेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को यहां पर सही तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास में जो डेटा है वो है जीरो से अबव कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो यहां पर दिया है 50। तो हम इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, सीआई बनाएंगे तो लिखेंगे जीरो टू। अब देखिए जीरो टू, उसके बाद में यहां पर 10 दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पर जीरो टू 10 लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लेंगे जीरो टू 10। ठीक है, फिर लेंगे हम 10 टू 20, फिर 20 टू 30, फिर 30 टू 40। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल्स को बनाएंगे। तो लेंगे 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, है ना। इस प्रकार से हम क्लास इंटरवल्स को बनाते जाएंगे एंड फिर लिखेंगे आगे 60 टू 70, करेक्ट। इस प्रकार से तो हमने इससे यहां पर क्लास इंटरवल बना दिया। देखिए, यहां पर 60 से अबव वाला डेटा है ना, ये लास्ट में 60 से अबव वाला है। तो क्योंकि यहां पर 10 10 का गैप दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी हमने 10 का गैप लिख लिया, 60 टू 70 लिख लिया 60 एंड अबव को। यहां पर 60 एंड अबव है, इसको हमने लिख लिया 60 टू 70। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास में ना ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये मोर देन टाइप जो हमारे पास में डेटा है उसका ये फ्रीक्वेंसी है, मोर देन टाइप का ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना, क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहला जो ये फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है, इसमें से हम सेकंड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास में फर्स्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हम फर्स्ट क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए हमें इस फर्स्ट मोर देन टाइप का जो फ्रीक्वेंसी दिया है, इससे हम सेकंड वाले मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 50 में से 46 को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें से सेकंड फ्रीक्वेंसी को यहां पर माइनस करेंगे, तो 50 में से 46 को माइनस करने पर आएगा 4। तो 0 से 10 जो फर्स्ट हमारा क्लास इंटरवल यहां पर बन गया है, उसका फ्रीक्वेंसी आ गया, उसका फ्रीक्वेंसी आ गया 4। ठीक है, अब हम सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो सेकंड क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो 46 में से 40 को माइनस करने पर आएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 40 में से 20 को माइनस करेंगे, तो यहां पर आएगा 20। तो हम ये जो मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है, उसमें से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को यहां पर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, हमने 40 में से 20 को माइनस किया, तो आ गया यहां पर 20। ठीक है, अब हम 20 में से 10 को माइनस करेंगे, तो यहां पर आएगा 10। ठीक है, फिर जब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे, तो आएगा 7। फिर जब हम 3 में से 0 को माइनस करेंगे, तो आएगा 3। फिर यहां पर लास्ट में 0 रह गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस डेटा से हमने यहां पर एक नॉर्मल डेटा बना दिया, नॉर्मल क्लास इंटरवल बना दिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी को यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है, एंड मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सीएफ तैयार करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाएंगे। ठीक है, इसके बिना तो हम मीडियन निकाल ही नहीं सकते, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहां पर एज इट इज नोट डाउन करना पड़ता है। यह बन गया हमारा फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब हम इसके साथ में इसको ऐड करेंगे, 6 ये 4 प्लस 6 हो जाएगा यहां पर 10, तो ये हमारे पास में सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करते जाते हैं,
इस प्रकार से ऐड करते जाते हैं, यहां पर लिखते जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 प्लस 6 यहां पर हो गया 10, 10 प्लस 20 यहां पर हो गया 30, 30 प्लस 10 यहां पर हो गया 40, 40 प्लस 7 हो गया 47, 47 प्लस 3 हो गया 50, 50 प्लस 0 हो गया 50, करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमने यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तैयार कर लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहां पर हम निकालते हैं वो इन फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। जैसे यहां पर इससे पहले कुछ नहीं है तो यहां पर पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही वाला बन गया। अब इन दोनों को ऐड करके यहां पर लिख लिया, इन तीनों को ऐड करके यहां पर लिख लिया, इन चारों को ऐड करके यहां पर लिख लिया। इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं कि हमने ऐसा किया है, इन सबको ऐड करके यहां पर लिख लिया, इन सबको ऐड करके यहां पर लिख लिया, इस प्रकार से हमने यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बना लिया। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में बन गया है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो जब हम इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके बराबर यहां पर आएगा, तो यहां पर हमारे पास में 50 आएगा। और जो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन यहां पर हमारा हो गया 50, करेक्ट, एन हो गया 50। अब करना क्या है, अब हमने एन बाई टू करना है, यानी कि हमें 50 बाई टू करना है जो कि होता है 25, करेक्ट, 25 आ गया। अब हमने 25th, ठीक है, अब हमने 25 को, जो यहां पर 25 आया है इसको हमने फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। ये जो हमारे पास में n बाई टू आया है जो कि आया है यहां पर 25, अब हमने 25 को इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, ठीक है। अब देखो 25 यहां पर है तो 4 में तो होगा नहीं, यहां पर 4 तक का जो डेटा होगा ना, मतलब 4 डेटा तक यहां पर है, 10 डेटा तक यहां पर है, 30 डेटा तक यहां पर है, यानी कि 10 के बाद जो होंगे वो सब इसमें आएंगे, तो यानी कि 25 भी इसमें आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में ये जो हमारे पास में ग्रुप बन गया ना, ये जो ग्रुप बन गया ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब ये हमारे पास में मीडियन क्लास हो गया क्योंकि हमारा जो 25 है वो 30 में आ जाता है, 10 के बाद में जितने भी है वो 30 तक में यहां पर होंगे ना, 10 के बाद में जितने भी डेटा होंगे 30 तक के डेटा यहां पर होंगे और 25 फिर इसी में आ जाएगा, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया ये वाला, हाँ मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास में हम क्या करते हैं, इस मीडियन क्लास में ये जो क्लास इंटरवल हमारे पास में है इसका जो लोअर लिमिट है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास के मीडियन क्लास इंटरवल जो हमारे पास में आ गया है, मीडियन क्लास इंटरवल इसका जो लोअर डेटा है, यहां पर जो लोअर हमारे पास में लिमिट है उसको हम एल से डिनोट करते हैं और ये हमारा हो गया 20, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में लोअर लिमिट अपर लिमिट है क्लास इंटरवल का, ये हमारा जो है क्या है, मीडियन क्लास आया था, इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट था उसको हमने एल से डिनोट कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं तो एफ हमारा यहां पर हो गया 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस क्लास की लेते हैं, मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, तो सी एफ पी ये हो गया हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास ये हो गया हमारा। अब हमने इन तीनों को यहां पर मार्क कर लिया है, अब हमने करना क्या है, अब हमने मीडियन को निकालना है। मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू एच। अब एच क्या होता है, एच होता है ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है क्लास इंटरवल का, जो ये गैप है ना, ये जो रेंज है क्लास इंटरवल का, इसको हम बोलते हैं एच। अब यहां पर देखो यहां पर भी 10 का गैप है, यहां पर भी 10 का, यहां पर भी 10 का, यहां पर भी 10 का, ठीक है, यहां पर सभी रेंज 10 का है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक क्लास इंटरवल को ले लेंगे, चाहे ये मीडियन क्लास को ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास में एच आ जाएगा, एच आ जाएगा 30 माइनस 20 यानी कि 10, तो एच आ गया हमारे पास में 10, करेक्ट। अब क्योंकि हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है, एल हमें पता ही है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो कितना है 20 है, तो एल यहां पर आएगा 20, फिर प्लस एन बाई टू हमने निकाला है 25 है उसको लिखेंगे यहां पर, फिर माइनस, फिर लिखेंगे सी एफ पी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास जो कि यहां पर है 10, तो यहां पर 10 को लिखेंगे, अपॉन में फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है 20 तो लिखेंगे 20, ठीक है, इंटू एच, एच कितना है 10 तो यहां पर लिखेंगे 10, करेक्ट। अब देखो भाई जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां पर 20 है प्लस,
अब देखो 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 15, नीचे है 2, 2 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 7.5, ठीक है, 20 में हम 7.5 को ऐड करेंगे तो आएगा 27.5। तो ये आ गया हमारे पास में, ये जो डेटा हमको गिवन था ना, इसका मीडियन, ठीक है, इसका मीडियन हमने यहां पर निकाल लिया 27.5। तो बहुत सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है और मेथड यही रहेगा इस टाइप के। जब क्वेश्चंस आएंगे, जब भी मोर देन टाइप आ जाए या अबव वाला टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन आ जाए या अबव वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारे पास में डेटा का मीडियन और यहां पर हमारा ये कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया।